सिपाही या पुलिस का कोई पुलिस का एक कर्मचारी अगर पहले गोली चला दे तो न यह कानून छोड़ेगा न मानवाधिकार छोड़ेगा कि आपने गोली पहले क्यों चलाई। जो पुलिस में भर्ती हुआ है उसको पता होना चाहिए, वो अंतर्यामी होना चाहिए, भगवान होना चाहिए कि सामने वाला अपराधी है हमारे ऊपर गोली चलाएगा, जब तक हम सीने में गोली ले ले उसके बाद मैं गोली चलाऊंगा तब मानवाधिकार नहीं गएगा। आज के हिंदुस्तान के मेन पृष्ठ में महोदय देख लीजिए, आज के हिंदुस्तान में मेन पृष्ठ में देख लीजिए, वहां पर दिया गया है कि महाराष्ट्र में 4 आतंकी पकड़े गए और जम्मू कश्मीर में 4 सिपाहियों को आतंकवादियों ने भून दिया, और जहां 4 आतंकवादी पकड़े गए पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पकड़े गए वहां पर मानवाधिकार ने नोटिस दे दिया कि आपने उसको 4 आदमी को कैसे पकड़ा, लेकिन जो 4 आदमी जम्मू कश्मीर में जो मारे गए वहां मानवाधिकार झांकने तक नहीं गया। ऐसे मानवाधिकार को गिरफ्तार है महोदय। मैं आपको चीज और बता देना चाहता हूं, दिल्ली के बाटला हाउस में जो कांड हुआ था हमारे इंस्पेक्टर महोदय को वहां पर शहीद हुए थे, उनको गोली लगी थी शर्मा साहब को, वहां पर एसआईटी की जांच हुई और वहां पर वह आतंकवाद घोषित हुए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय उन्होंने आंसू बहाया था। लेकिन मैं कहता हूं जब कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद भी वहां पर हमारे इंस्पेक्टर जो शहीद हुए थे उनके घर कोई मानवाधिकार क्यों नहीं गया महोदय, वो आतंकवादी थे, आजमगढ़ के तीनों आतंकवादी थे और उन्होंने जब अपनी गोली से उसको भून दिया उसके बाद वो शहीद हुए तो कहा गया अरे वो तो उत्तर प्रदेश के या देश के नागरिक है, उनको आपने कैसे मार दिया, और एसआईटी की जांच बैठी उसके बाद ये हुआ कि आतंकवादी है, आज तक कोई हाथ में नहीं गया। क्यों नहीं गया मानवाधिकार, केवल पुलिस के हाथ को बांधना ही मानवाधिकार सबसे आगे है, ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय, मानवाधिकार को अगर पुलिस को मानवाधिकार के अंतर्गत लाना है तो सबसे पहले महोदय न्यायालय की प्रक्रिया को बदलिए, जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए जो आतंकवाद जो नक्सलवाद इससे उभर रहा है हथियार सप्लाई करने वाला है उन देश को पत्थर लगाने के लिए मुहिम लगाई महोदय। एक व्यक्ति एक नेता बिना पुलिस के बिना असलाह के हमराई के नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता? जनता के नेतृत्व करते हैं तो आपको किस चीज का डर, आपको उसी ने जनता जिताया है तो क्यों आप हमराई लेते हैं महोदय। यहां पर हमारे कुछ सर लोगों ने कहा कि हम लोग के मानवाधिकार नहीं है, मानवाधिकार का मतलब होता है मानव, वर्दी पहनने के बाद हम लोग मानव न हो जानवर की नजर से देखते हैं देखा जाता है और जनता हम लोग को जानवर की नजर से देखती है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, हमारे सर बैठे हुए हैं, रात को 12 बजे फोन आएगा तो वर्दी 52 सेकंड नहीं, हमारे 52 सेकंड हमारे हिसाब से लिखा हो, गाड़ी में वर्दी में पहनते घटनास्थल पहुंचते हैं क्योंकि नहीं तो हम मानवाधिकार पहुंचकर अभी कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा है, ऐसा क्यों महोदय? इसमें परिवर्तन करने की सख्त जरूरत है। यहां पर हम बैठ करके मानवाधिकार की कार्यशाला को आयोजित करते हैं।